बोध जोड़ा गया है, जितनी मिट्टी का संचय किया गया है उसमें जितने जितने कण हैं, वो सारे कण जब इकट्ठे होते हैं तो मिट्टी में जितने कण होते हैं उतने कण के बराबर हमको शिवलिंग निर्माण का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए पार्थिव की महत्व, पार्थिव की महत्वता क्यों है? तो ये इधर करते कि नहीं करते हमको नहीं मालूम, हड़तालिका करते इधर हड़तालिका, तो हड़तालिका जब करते हैं तो हड़तालिका में बालू मिट्टी का, बालू का या मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं। क्यों बनाते हैं ये माताएं बालू का शिवलिंग मिट्टी का शिवलिंग क्यों बनाती है? उसका कारण, सोमवार का 16 सोमवार करते हैं तो बालू मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, 16 सोमवार कर रहे हैं तो मिट्टी का शिवलिंग है, हड़तालिका कर रहे हैं तो मिट्टी का शिवलिंग है, अन्य पूजन कर रहे हैं तो मिट्टी का शिवलिंग का मतलब है छोटा छोटा कण 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 उसको पानी में मिलाकर इकट्ठा कराया जाता है फिर शिवलिंग का निर्माण कराया जाता है। मतलब ढेर सारे हजारों शिवलिंग हम एक साथ पूजन नहीं कर सकते तो पार्थिव बना लेते हैं, तो उसमें कण 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 ढेर होते हैं तो हजारों शिवलिंग का फल हमारे खाते में प्राप्त हो जाता है। हजारों लोटा जल बालू मिट्टी का बनाया भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर चढ़ा।